गिरिडीह तक में आपका स्वागत है। चलिए आज की खबर की ओर। आज दिनांक 26 फरवरी को झामुमो जिला कार्यालय में 4 मार्च 50वें स्थापना दिवस समारोह की तैयारी हेतु नगर के अगुवा साथियों के साथ माननीय विधायक गिरिडीह सदस्य श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी एवं झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। बैठक को संबोधित करते हुए माननीय विधायक ने कहा कि झामुमो गिरिडीह जिला इस बार अपना 50वां स्थापना दिवस समारोह बनाने जा रही है। ऐसे में नगर के अगुवा साथियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि कार्यक्रम को गिरिडीह शहरी क्षेत्र में बनाया जाना है। जो अपने वार्ड के सक्रिय साथी हैं, वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को घरों से बाहर निकाले और झंडा मैदान में ऐतिहासिक 50वां स्थापना दिवस का गवाह बने। एक बैठक जिला कार्यालय में आहूत की गई। इस बैठक में नगर समिति के प्रमुख साथी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो नगर निगम के वार्ड पार्षद साथी है वे उपस्थित हुए। माननीय विधायक जी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित है और 50वां स्थापना दिवस जो आगामी 4 मार्च को मनाया जाना है, ये हमारा 50वां वर्ष है। ये स्वर्ण जयंती वर्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। ये गौरवशाली 50 वर्षों की तैयारी हम लोग बड़े जोर शोर से सभी प्रखंडों में चल रही है और ये मेरा मानना है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि ये रैली, ये जो कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक होगा और हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे और हम लोग ये इस ज़िले में जो संघर्ष के जो 50 वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा जो गुरुजी के नेतृत्व में जो 5 दशक आंदोलन चला और सैकड़ों साथियों की शहादत, हजारों लोग जेल गए, कितने लोग आज भी मुकदमा झेल रहे हैं, हजारों लोग आज जो चिन्हित नहीं हुए राज आंदोलनकारी ग्रुप में, वो प्रक्रिया भी हम लोग इस ज़िले में शुरू कराए हुए हैं। तो वैसे लोगों को लेकर ये बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में और शहरी क्षेत्र से भी लोगों की भागीदारी पिछले बैठकों में, पिछले कार्यक्रमों में काफ़ी अच्छी हुई थी। जो खतियानी जोहार यात्रा था उसके लिए भी हम लोगों ने धन्यवाद दिया है साथियों को। साथ ही कल कोयलरी में CCL में जो 3 वर्षों से जो कोयलरी बंद था, CTO मिला माननीय विधायक जी के प्रयास से, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इसीलिए माननीय विधायक को अपना आभार प्रकट किया, उन्हें धन्यवाद दिया कि आपके प्रयास से आप मजदूर हित में और इस क्षेत्र के हजारों लोग जो कोयलरी पर निर्भर थे वैसे लोगों के लिए एक बड़ा अवसर था। कल प्रोडक्शन शुरू हुआ है, हजारों ट्रक जो खड़े रहते थे अब उनका परिचालन होगा, हजारों लोग उससे परोक्ष रूप से जो जुड़े हुए रोजगार से वैसे लोगों को लाभ मिलेगा। इन्हीं सब बैठकों को लेकर मुद्दों पर आज बैठक हुई है और ये 4 मार्च का कार्यक्रम हमारा भव्य होगा, ऐतिहासिक होगा।